फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं के सिलसिले में या के संबंध में। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो के सिलसिले में, के संबंध में, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इन कनेक्शन विद का यूज करते हैं। जैसे अगर लिखा हो मदद मांगने के सिलसिले में, तो आप कहेंगे इन कनेक्शन विद आस्किंग हेल्प। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप एक बात गौर करेंगे कि विद के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, यानी जीरंड के शक्ल में होगा। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ सके। अगर आपको कहना हो मदद मांगने के सिलसिले में वो यहाँ आया, तो आप कहेंगे ही केम हियर इन कनेक्शन विद आस्किंग हेल्प। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव कम हियर इन कनेक्शन विद बिजनेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं इलाज के सिलसिले में मुंबई गया, तो आप कहेंगे आई वेंट टू मुंबई इन कनेक्शन विद ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो राजनीति के सिलसिले में मुझे कुछ नहीं कहना है, तो आप कहेंगे आई हैव टू से नथिंग इन कनेक्शन विद पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो माँ से मिलने के सिलसिले में मैं अपने गांव गया, तो आप कहेंगे आई वेंट टू माय विलेज इन कनेक्शन विद मीटिंग माय मदर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो इंग्लिश सीखने के सिलसिले में मैं यह चैनल देखता हूँ, तो आप कहेंगे आई वॉच दिस चैनल इन कनेक्शन विद लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो पैसा कमाने के सिलसिले में मैं विदेश गया, तो आप कहेंगे आई वेंट टू फॉरेन इन कनेक्शन विद अर्निंग मनी। अगर आपको कहना हो माफी मांगने के सिलसिले में मैं उसके पास जाऊंगा, तो आप कहेंगे आई गो टू हिम इन कनेक्शन विद अपोलोजाइन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कंसेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो के सिलसिले में या के संबंध में, तो आप इन कनेक्शन विद प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस टॉपिक को आप शानदार तरीके से समझे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही लिखा या नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।